आंसर देना सीखेंगे जो आपको रोज़ के कन्वर्सेशन में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? इसका एक सिंपल रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आई एम फ्रॉम, जो भी जो आपका प्लेस होगा रहने का है, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। थोड़ा डिटेल में बोलना हो तो आप ये कह सकते हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम न्यूयॉर्क बट आई नाउ लिव इन लंडन। क्वेश्चन टू, हाउ आर यू? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ आर यू? कॉमन रिस्पॉन्स हो सकता है इसका, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? मोर डिटेल्स में इसे कहना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, आई हैव बीन रियली बिजी विथ वर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर डू यू लिव? जब कोई आपसे पूछता है वेयर डू यू लिव, आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं, आई लिव इन महाराष्ट्र, या फिर आप डिटेल में ये भी कह सकते हैं, आई लिव इन महाराष्ट्र इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डू यू डू? अगर कोई पूछे वॉट डू यू डू, इसका मतलब वो आपसे आपके काम के बारे में पूछ रहे हैं। आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो, आई एम अ टीचर। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको बताना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम अ टीचर एट एन एलिमेंट्री स्कूल एंड आई स्पेशलाइज इन साइंस। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट टाइम इज़ इट? व्हाट टाइम इज़ इट के लिए बेस्ट या डायरेक्ट आंसर यह है कि आप जो भी टाइम है उससे पहले इट्स लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, इट्स 5 PM, या फिर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि इट्स 5 PM, वी हैव अबाउट एन और अनटिल द मीटिंग स्टार्ट्स। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज दिस? अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहे ये जो चीज़ है वो क्या है, कि क्या है, तो आप इसका डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं कि दिस इज अ बुक, या थोड़ी और क्लैरिटी अगर हो डालनी है स्टेटमेंट में तो आप कह सकते हैं, दिस इज अ बुक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर सेवन, हुज इज दिस? ये किसका है? जब कोई पूछे हुज इज दिस, तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि दिस इज माइन, या फिर स्पेसिफिक पर्सन का नाम डायरेक्ट करके बोलना हो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इज साराज नोटबुक। क्वेश्चन नंबर एट, वेयर हैव यू बीन? इस क्वेश्चन का मतलब है, आप इतने टाइम से कहाँ थे, आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन का एक ब्रीफ आंसर हो सकता है कि आई हैव बीन एट द जिम, या फिर डिटेल में आई हैव बीन एट द जिम वर्किंग आउट फॉर द पास्ट 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, आर यू हंग्री? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको भूख लगी है, तो ये क्वेश्चन आर यू हंग्री के लिए आप कह सकते हैं यस आई एम, या फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप ऐसे क्या भी कह सकते हो, यस आई एम क्वाइट हंग्री, आई हैवन्ट ईटन सिंस द ब्रेकफास्ट। और बस ये थे सिंपल और डिटेल वेज टू आंसर कॉमन क्वेश्चंस इन इंग्लिश, प्रैक्टिस इन रिस्पॉन्सेज को ताकि आप ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट साउंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। See you next time in the next video.